श्रुतियों में फिर गूंजा नीलोफर आसिया हत्याकांड का मामला। सीबीआई जांच से नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। हमें हमारी केस को सियासत की वोट बैंकिंग के लिए, जो आज की चीफ मिनिस्टर साहिबा है वो उस टाइम बड़े दावे कर रही थी कि मुझे आप वोट दे दो, मैं आसिया और नीलोफर के कातिल दे दूंगी। उसने तो मतलब कश्मीर के कौम से इसी मतलब खासकर साउथ कश्मीर में इसी इस खासकर मतलब इलेक्शन जो कैंपेन चलाई है वो आसिया और नीलोफर की केस के हवाले से चलाई है। और इवन यहाँ शिक्षा मंत्री चौधरी जुल्फिकार ने सरकार की 24 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। शिक्षकों के लिए पढ़ाई का वातावरण तैयार करने की कोशिश, बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने की बात कही। तो लोगों को रागब करना इसकी तरफ, तालीम की तरफ, कि वो तालीम की तरफ आए, एक इंसेंटिवाइज करें हम एजुकेशन को। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो स्कॉलरशिप देता है, हमारा एक पहाड़ी का स्कॉलरशिप मिलता है। कश्मीर में सीमेंट फर्जीवाड़े का भंडाफोड़, स्थानीय पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज, मामले की जांच जारी। एक लो ग्रेड सीमेंट जो है, एक रिप्यूटेड कंपनी का बैग लेके उसमें डाल के फिर बेचता था। तो एज सून एज वी रिसीव द कंप्लेंट वी अंडरटुक अ एक्शन और हम ऑन स्पॉट चले गए और हमने वहां जब मुआयना किया तो हमने पाया कि वाकई ऐसा वहां हो रहा है। बी पर्सन द अक्यूज्ड हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी। पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह का साथ मिलने के बाद लाल सिंह ने जताई सीएम बनने की इच्छा। हाँ, ख्वाहिश तो मेरी 80 में है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनू स्टेट का। जब मुझे शेख साहब का बंदा ये डिवीजन कमिश्नर ने कहा कि बेटा नौकरी लेनी है, जब मैं काले पढ़ता था। जय डोगर, जय डोगरा। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार ने पीएचई विभाग पर लगाया धमकाने का आरोप। एमएलए अखनूर पर भी लगाया दुष्प्रचार करने का आरोप। एमएलए अखनूर जगह जगह रैलियां कर रहे हैं मेरे लिए कि ये आदमी है, ऐसा कर रहा है, धर्म के खिलाफ जा रहा है। बोला, मुझे ये बोला गया कि ये जो स्कैम आप ओपन कर रहे हो पीएचई की पाइपों का, जो पीएचई की पाइपों का, इनके अब नाम लो मत लो। एक का नाम है राजेश शेट्टी, डबल ई है, सिविल जेई। इन्होंने क्या किया, उसके बाद पैसे मेरे बेड पे छोड़ दिए हैं, मेरे घर पे एक बंडल घर पे छोड़ दिया गया।